Hello students, today we will focus on 10 important questions of the chapter demand, out of which 3 questions are logical. Please note that these questions are utmost important from the exam point of view. Let us start from the first question. So let us come to the first one. Here it is given. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आप फर्स्ट में देख सकते हो डिफाइंड डिमांड. डिमांड क्या होता है, वॉट इज़ द डिमांड. वी ऑल नो इन डिमांड वी कैन सी कि डिमांड किसी भी कॉमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का जो एक पर्सन खुद का विलिंगनेस दिखाता है उस चीज़ को खरीदने के लिए, एट दैट पर्सन अ डिज़ायर टू परचेज. जब वो चाहता है उस कॉमोडिटी को, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो उस चीज़ की डिमांड करता है. बट मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, डिमांड हम पूरे तरीके से डिमांड को डिमांड तब बोलेंगे जब वो पर्सन एबल है और अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है कि उस चीज़ को खरीद सकता है. तो विलिंगनेस और उसकी एबिलिटी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है. अगर वो विलिंगनेस अपनी दिखा रहा है तो दैट पर्सन आर लायबल टू परचेज दैट थिंग. क्या वो उस चीज़ को खरीद सकता है, एलिजिबल है उस चीज़ को खरीदने के लिए. तो दीज ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन द कंज्यूमर. ओके, तो वो उसके कंज्यूमर पे डिपेंड है कि जो अगर उस कस्टमर पे डिपेंड है कि अगर उस चीज़ की डिमांड करता है तो दे आर शोइंग देयर विलिंगनेस, बट दैट पर्सन आर एबल टू परचेज दैट थिंग. तो डिमांड हम उसी चीज़ को कहते हैं जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस, अपनी एबिलिटी को दिखाता है फॉर परचेज द डिज़ायर प्रोडक्ट दे वॉन्ट. मीन्स वो अपने एक डिज़ायर प्रोडक्ट को, जो वो प्रोडक्ट वो चाहता है उस चीज़ को खरीदने के लिए, अपनी विलिंगनेस और अपनी एबिलिटी दोनों को वो दिखाता है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ उसकी डिमांड जो है उस कॉमोडिटी की. अगर इंडिविजुअल मार्केट में देखें तो वो इंडिविजुअलिटी अगर उसकी देखें तो वो पर्सन खरीदना चाहता है, बट एज अ होल हम देखें तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पर्सनस विलिंगनेस एंड एबिलिटी. ज़रूरी नहीं कि सबकी डिमांड इक्वल हो. ओके, ज़रूरी नहीं सब लोग एबल हो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कस्टमर्स और द यू कैन से द कंज्यूमर. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इट इज़ गिवन, वॉट इज़ डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल आई जस्ट टोल्ड यू, डिमांड शेड्यूल जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें दो चीज़ आपका रहता है, प्राइस एंड द क्वांटिटी. प्राइस एंड क्वांटिटी आपका डिमांड शेड्यूल बताता है. जिसमें प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड पे हमें इफेक्ट देखने को क्या मिलता है. ओके, तो इसमें हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से डिमांड कर्व क्या होता है, हमारा स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है. नेक्स्ट इट इज़ गिवन, वॉट इज़ अ डिमांड कर्व. अब डिमांड कर्व क्या है, मैंने बताया था जब आप लोग डिमांड शेड्यूल बना लोगे तो विद द हेल्प ऑफ द डिमांड शेड्यूल यू कैन मेक अ डिमांड कर्व ऑल्सो. ना आप डिमांड कर्व भी तो बना सकते हो. डिमांड कर्व में क्या करते हो, वाई एक्सेस पे आप क्या दिखाते हो, यू कैन जस्ट टेक एग्जांपल, आप वाई एक्सेस पे प्राइस दिखाते हो एंड इस पर क्वान्टिटी दिखाते हो. तो प्राइस अगर आपकी समझ जाओ 20 थी तो क्वान्टिटी डिमांड आपकी क्या थी, प्राइस इज 20 तो क्वान्टिटी डिमांड इज 10. जैसे ही आपकी प्राइस 10 पे आ गई तो क्वान्टिटी डिमांड आपकी क्या होगी, 20. तो दिस इज़ अ, यू कैन से दिस इज़ अ डिमांड कर्व. आपने इस पर एक डिमांड कर्व बना दिया, अपना बता दिया कि जब प्राइस उसकी इंक्रीज तो मैंने डिमांड कम किया और जैसे उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई तो मैंने डिमांड किया वो हाई कर दिया. तो दिस शोज अ स्लोपिंग डाउनवर्ड. तो डिमांड कर्व हमारे स्लोप्स डाउनवर्ड कब होता है, जब इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है. बट क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं, क्वेश्चन ये चीज़ है कि डिमांड कर्व होता क्या. तो यू कैन से इट व्हेन वी जस्ट रिप्रेजेंट द डिमांड शेड्यूल इन द ग्राफिकल फॉर्म इन द केस ऑफ द प्राइस एंड क्वान्टिटी. तो प्राइस एंड क्वांटिटी हम डिमांड शेड्यूल में दिखाते हैं. डिमांड शेड्यूल को जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे तो हमारा डिमांड कर्व होता है. नेक्स्ट इट इज गिवन, व्हाट हैपेंस. लिसन दिस क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट हैपेंस टू द डिमांड फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. क्या होता है डिमांड फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, जब ये केस होता है डिमांड फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑफ अ कॉमोडिटी, व्हेन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी राइजेस. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे क्या इफेक्ट दिखाता है, अगर प्राइस जो कॉमोडिटी की इंक्रीज हो जाएगी तो राइज हो जाएगी, तो ऑब्वियस चीज़ है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का होगा डिक्रीज हो जाएगा. यू कैन टेक द एग्जांपल, हमने कार और पेट्रोल का प्राइस लिया था, कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल. अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस चीज़ है जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से जो कार है उसका जो डिमांड होगा वो कम हो जाएगा. तो वी कैन से डिक्रीज, इसमें आप बोल सकते हो, आंसर में ले सकते हो, वी कैन सी द डिक्रीज केस इन दिस वन. नेक्स्ट इट इज़ गिवन, फॉर अ फैमिली ऑफ फोर डिमांड शेड्यूल फॉर राइस शुड बी द सेम फॉर ईच मेम्बर. अगर एक फैमिली में आप बोल सकते हो फोर मेम्बर्स हैं, फोर की फैमिली है आपकी, तो यू कैन से कि आप राइस की डिमांड कर रहे हो.
ओके फॉर राइस शुड बी द सेम फॉर ईच मेंबर, क्या राइस की जो डिमांड है वो हर मेंबर उस चीज़ को पसंद करता होगा, क्या वो हर मेंबर चाहता है कि उसके वो डिमांड करे राइस की? नो, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड ऑन द टेस्ट एंड द प्रेफरेंस, उसका जैसा टेस्ट रहेगा, मे भी किसी को राइस पसंद है किसी को राइस नहीं पसंद है, तो दे आर नॉट गो एंड प्रीफर दैट थिंग्स, वो चीज़ उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो जब हम डिमांड शेड्यूल बनाएंगे या प्राइस और क्वांटिटी की बात करेंगे शेड्यूल के अंदर, डिमांड शेड्यूल में, तो वी विल जस्ट कंफ्यूज कि सबका जो लेवल होगा मेंबर्स का वो क्वांटिटी डिमांड जो है वो आप बोल सकते हो इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबका टेस्ट एंड प्रेफरेंस इक्वल नहीं है, सबका अलग अलग टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है। ज़रूरी नहीं कि फैमिली मेंबर्स में किसी एक को कोई चीज़ पसंद आ रही तो सारे लोगों को पसंद आए, तो हम इस तरीके से जज नहीं कर सकते। यू कैन से इट एज अ फॉल्स। नेक्स्ट, दीज आर द डिफाइंड डिमांड, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड द टू लॉजिकल क्वेश्चन आई हैव जस्ट गिवन यू, कि ऐसे भी क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। दीज आर द फाइव, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स के आप इस चीज़ को समझो, यहाँ पे आपका ये लिखा है इवन पी एक्स रिमेन कॉन्स्टेंट, पी एक्स आपका रिमेन कॉन्स्टेंट है, प्राइस जो है आपकी रिमेन कॉन्स्टेंट है, क्वान्टिटी ऑफ द एक्स में इंक्रीज और डिक्रीज। जब आपकी प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट है तो क्या क्वांटिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? ऑब्वियस चीज़ है, क्वांटिटी इंक्रीज भी करेगी और क्वांटिटी डिक्रीज भी करेगी। ये कौन सा केस मैंने आपको बताया था? ड्यू टू चेंज इन द अदर डिटर्मिनेंट्स। अदर डिटर्मिनेंट्स मीन्स व्हाट? कि इसमें इस क्वेश्चन में ये बोला है प्राइस जो है वो रिमेन कॉन्स्टेंट, और रिमेन कॉन्स्टेंट का केस हमें किस में देखने को मिलता है? आई टोल्ड यू इन द मूवमेंट, इन द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। और जब हम चेंज इन डिमांड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? प्राइस जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है। तो इसमें ये पूछ रहा है जब प्राइस कांस्टेंट है तो क्या क्वांटिटी में हमें इंक्रीज और डिक्रीज का केस देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स हमें देखने को मिलेगा उसमें ये चीज़, क्योंकि अभी हम लोगों ने यही चीज़ तो पढ़ा है शिफ्टिंग में। शिफ्टिंग हमने देखा है कि प्राइस जो है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन हमें क्वांटिटी में तो इंक्रीज और डिक्रीज का केस देखने को मिला। तो ड्यू टू द चेंजेस इन अदर डिटर्मिनेंट्स, अदर डिटर्मिनेंट्स के चेंजेस होने की वजह से ही हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ ट्रू, पी एक्स रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा तो क्वान्टिटी इंक्रीज भी करेगी और डिक्रीज भी करेगी। नेक्स्ट ईयर इट इज़ गिवन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स कॉजेज अ फॉल इन डिमांड फॉर गुड वाई। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर कॉमोडिटी एक्स की, गुड्स एक्स का प्राइस जो है वो कम हो गया, तो आप मुझे बताओ फॉल इन डिमांड फॉर गुड वाई, तो क्या गुड वाई की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी? दिस इज द आंसर, यू कैन टेक इट एज हियर, गुड एक्स की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गई, फॉल हो गई। बट जो फॉर क्या बोल सकते हो, जो गुड वाई की जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी? नो, ठीक है, गुड वाई की डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी। आप ये चीज़ों क्वेश्चन से देखो, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स कॉजेज अ फॉल इन डिमांड फॉर अ गुड वाई, प्राइस जो है वो हमारी फॉल हो गई, तो क्या उससे हमें ये अफेक्ट देखने को मिलेगा जो गुड वाई की डिमांड है वो कम हो जाएगी? ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। आप बोल सकते हो कि जब प्राइस कम होगी तो ऑब्वियस चीज़ है जो हमारा नेक्स्ट रहेगा उसमें सबसे अदर गुड्स जो रहेगा हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स में उसकी डिमांड कम हो जाएगी, लोग क्या करेंगे उस चीज़ को छोड़ के? आपका प्राइस कम हो गया, आपके गिवन गुड्स का प्राइस कम हो गया, तो लोग उस चीज़ को प्रेफर करेंगे, वो क्यों सब्स्टिट्यूट गुड्स के तरफ जाएंगे? तो क्या होगा जब आप अपने खुद के गिवन गुड्स का प्राइस कम कर दोगे तो लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स को छोड़ के आपके तरफ आ जाएंगे, तो आपका क्या होगा, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड द फॉल इन डिमांड फॉर अ गुड वाई उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस ऑफ गुड एक्स अगर आपकी जो है वो फॉल हो गई, गिर गई, तो लोग गुड वाई को क्यों प्रेफर करेंगे? वो तो आपके तरफ जाएंगे, क्योंकि लोग यही चाहते हैं चीपर प्राइस में हम चीज़ों को खरीद लें। ओके, तो दे विल जस्ट गो एंड गिव द प्रेफरेंस टू द चीपर प्राइस गुड्स। नेक्स्ट रेट इज गिवन इन केस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अ राइज इन प्राइस ऑफ अ गुड एक्स कॉजेज अ राइज इन डिमांड फॉर अ गुड वाई। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार एंड पेट्रोल। अगर हम कार एंड पेट्रोल में से कार की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस जो है वो आप बोल सकते हो कि हाई हो गई। ओके, हियर इट इज गिवन इन केस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अ राइज इन प्राइस ऑफ अ गुड एक्स, पेट्रोल की प्राइस आपकी राइज हो गई, कॉजेज अ राइज इन डिमांड फॉर अ गुड वाई। क्या वो सर उसका रीज़न आप बोल सकते हो उसका अफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा कि उसकी जो डिमांड है वो भी हाई हो जाएगी? नो, बिकॉज अगर हम दोनों की प्राइस हाई करेंगे तो ये चीज़ हम लोग को पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में केसेस रहते हैं कि विदाउट ईच अदर दे कैन नॉट डू एनीथिंग, होता ना कि विदाउट दे इज़ नो एनी यूज़ ऑफ ईच अदर, मतलब बिना किसी एक दूसरे की वो चीज़ का वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वी कैन से कार एंड पेट्रोल का अफेक्ट हमें देखने को मिलेगा इन केस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अ राइज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स कॉजेज अ राइज इन
डिमांड फॉर अ गुड बाय, इट इज़ रॉन्ग. वी कैन से कि अगर एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, दूसरे की प्राइस जो है वो डिमांड जो रहेगी वो कम हो जाएगी. नेक्स्ट इट इज़ गिवन वाई स्लोपिंग स्लोप कर्व इज़ डाउनवर्ड. जो हम लोग कर्व बनाते हैं डिमांड कर्व का, वो स्लोपिंग डाउनवर्ड क्यों रहता है, क्योंकि उसमें हमें इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है प्राइस एंड क्वान्टिटी में. देर इज अ इन्वर्स रिलेशनशिप वी कैन सी इन द प्राइस एंड क्वान्टिटी. नेक्स्ट इट इज़ गिवन डिफाइन इन्फीरियर गुड्स. वॉट इज़ द इन्फीरियर गुड्स? इन्फीरियर गुड्स यू कैन से चीपर गुड्स. जो चीपर गुड्स होते हैं उनको बोलते हैं. इसमें हमें नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है. अगर उनकी इनकम जो है वो हाई होती है तो दे विल जस्ट गो एंड परचेज द रेपुटेटेड प्रोडक्ट्स, आप बोल सकते हो रेपुटेटेड थिंग्स, वो खरीदने जाएंगे, उस चीज़ को खरीदने जाएंगे, महंगी से महंगी एक्सपेंसिव चीज़ खरीदेंगे. वो चीपर गुड्स को, इन्फीरियर गुड्स को इग्नोर करेंगे. बट वो एक कंडीशन पर उस चीज़ को खरीदेंगे जब वो इन्फीरियर गुड की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, तभी वो उसकी डिमांड इंक्रीज़ करेंगे. अदरवाइज़ अगर उनकी इनकम हाई है तो वो जाके हायर जो प्रोडक्ट होगी, हायर कॉमोडिटी जो होगी, प्राइस उसकी जो हाई होगी, जो उनको लगेगा कि जिसकी प्राइस अधिक है वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, तो वो उस चीज़ को प्रेफर करेंगे. बट अगर इन्फीरियर गुड की बात करें तो जब उस इन्फीरियर गुड का प्राइस जो है वो कम हो जाएगा या कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी, तब वो जाके उस चीज़ को प्रेफर करेंगे. ओके, तो देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप वी कैन सी इन द इन्फीरियर गुड्स. तो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस टुडे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट सी इट वंस अगेन. मे बी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन और द लॉजिकल और द रीजनिंग क्वेश्चन बेस्ड मे बी कम इन टू एग्जामिनेशन. दीज आर द शॉर्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वन. और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो थैंक यू क्लास फॉर टुडे.